हेलो बच्चों कैसे हैं आप लोग तो आज के इस वीडियो में सिंपली हम लोग इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं जो आज इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं जो इस अभी आप लोग का आज आया था एग्ज़ाम में ठीक है तो हम लोग को हमको पता है कि आप लोग का अभी एग्ज़ाम चल रहा है इसलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम वीडियो में जल्दी से आपका वीडियो ख़त्म करेंगे तो आप जल्दी से अपना आंसर चेक कीजिए और एक नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए पढ़ना शुरू कीजिए ठीक है तो चलिए तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर वन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है आपको नोटिस इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस एंड सर्टेन अनाउंसमेंट उसमें कुछ अनाउंसमेंट होता है कि किसके लिए होता है वो अनाउंसमेंट तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो स्टूडेंट्स के लिए होता है नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपको नोटिस इशूड बाय द गवर्नमेंट जनरली अपेयर इन जो गवर्नमेंट नोटिस इशू करता है वो कहा आता है तो वो न्यूज़पेपर में छपता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री आपको क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर थ्री बोल रहा है लेटर टू एडिटर आर रिटर्न फॉर लेटर टू एडिटर किसके लिए रिटेर? राइट किया जाता है तो लेटर टू एडिटर में लिखा आता है, है है? है ठीक क्वेश्चन 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 का होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट आपको आपको क्या पूछ रहा है? आपको पूछ रहा रहा कि ए फॉर्मल लेटर स्टार्ट फॉर्मल लेटर हमेशा कैसे होता तो लेटर होता स्टार्ट होता है तो हमेशा याद रखिएगा फॉर्मल लेटर जो ठीक है है वी शुड नॉट इंक्लूड इन रिपोर्ट राइटिंग रिपोर्ट राइटिंग आपको क्या इंक्लूड नहीं करना तो याद रखिए रिपोर्ट राइटिंग में आपको पर्सनल कॉमेंट जो भी पर्सनल ओपिनियन होता है किसी का वो इंक्लूड नहीं करना है ऑप्शन वन इज करेक्ट बाकी ये देखिए डेटा कलेक्टेड तो रहेगा ही और इन्फॉर्मेशन वीटनेस को जो देगा आपको इन्फॉर्मेशन वही तो आप लिखिएगा ना पर्सनल कॉमेंट नहीं होना चाहिए उसमें तो करेक्ट ऑप्शन फाइव का वन हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं आपको क्वेश्चन नंबर सिक्स पर क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या बोल रहा है विच वन इज अ कम्पोनेंट ऑफ आर्टिकल राइटिंग आर्टिकल राइटिंग का कौन सा कम्पोनेंट है आर्टिकल राइटिंग का जो कंपोनेंट है वो ऑप्शन थ्री हो जाएगा आपका हेडिंग और टाइटल याद रखिएगा यहां पे जो ऑप्शन मतलब सिक्स का क्या हो जाएगा ऑप्शन थ्री इज करेक्ट बाकी बाकी आंसर क्यों नहीं होगा तो देखिए आप कभी भी आर्टिकल राइटिंग में सैल्यूटेशन नहीं लिखते हैं मतलब सैल्यूटेशन नहीं लिखते हैं ठीक है कि आप कभी भी सैल्यूटेशन नहीं लिखते हैं डियर सर मैडम कभी भी नहीं लिखते हैं डियर सर uh, या मैडम आप नहीं लिखते हैं जैसे कि और दूसरा ग्रीटिंग द ऑडियंस कभी भी आप रिस्पेक्टेड सर मैडम का ये तो आप कभी भी नहीं लिखते हैं ऑडियंस को ग्रीट करते हैं ना ही आप लास्ट में थैंक करते हैं आप उसको ओपिनियन देते हैं तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सिक्स का सिक्स का ऑप्शन थ्री हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपको एक एक्स्ट्रैक्ट दिया है कौन सा एक पोएम का है ये तो आप जानते हैं ये कीपिंग क्वाइट वाला पोयम है कौन सा पोयम है कीपिंग क्वाइट कीपिंग क्वाइट का पोएम है ठीक है तो इसका जो राइटर थे वो कौन थे इसके राइटर जो थे आपका जो पैबलो नेरुडे थे क्या था पेब्लो नेरूडा ये थे ना तो आप ये ये पोएम आपको पता ही होगा दूसरा क्वेश्चन नंबर सेवन पूछ क्या रहा है आपको हु इज द पोएट ऑफ द एस्ट्रैक्ट ये पोएम का पोएट कौन है तो इसका पैब्लो नेरूडा पैब्लो नेरूडा इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर एट क्वेश्चन पोएट एक्सपेक्ट डू द फिशर मैन डू तो यहाँ पे यहाँ वुड नॉट हार्म द वेल तो एट का आंसर होगा ऑप्शन वन इज करेक्ट नॉट हार्म द वेल्स नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर नाइन क्वेश्चन नंबर वन क्या पूछ रहा है द मैन गैदरिंग सॉल्ट वु लूक वो मैन जो आपका गैदर कर रहा है सॉल्ट वो कहां देखे उसको पोएट चाहता है कि वो अपना हार्ट है, हार्ट हैंड्स की तरफ ध्यान दे ठीक है ऑप्शन टू इज करेक्ट नेक्स्ट आता है तुम्हारा आपका क्वेश्चन नंबर टेन क्वेश्चन नंबर टेन क्या पूछा था पर्सन इन द कार बिसाइड द पोएट इज ये आपका कौन सा वो माई मदर एट सिक्सटी सिक्स वाला पोयम था ना माई मदर एट सिक्सटी सिक्स वो वाला वो वाला पोएम का है ठीक है उसका दिया हुआ तो उसमें तो आप जानते हैं जब पोएट जो आपका पोएट जब एयरपोर्ट जा रही थी कहाँ पर जा रही थी एयरपोर्ट तब उसके साथ कौन थे उसके साथ बगल में उसकी मम्मी थी मदर थी ना हाँ तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मदर हर मदर टेन का फोर इज करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट तो क्वेश्चन नंबर इलेवन देख लेते हैं ये आपको क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर इलेवन आपसे पूछ रहा है कि क्वेश्चन नंबर आपसे पूछ रहा है व्हाट काइंड ऑफ फेस इज एंड हेयर द चिल्ड्रेन क्लिप ये कौन सा चैप्टर का है ये वाला आपका वो वो एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम था ना एलिमेंट्री स्कूल उस चैप्टर का है ठीक है इस्लम वाला जिस एलिमेंट्री स्कूल करेक्ट आंसर हो जाएगा पेल फेसेस जो फेसेज और जो चिल्ड्रेन का कैसा फेसेज था पेल फेसेस था और स्कैटर्ड एंड अनडन हेयर था मतलब ऑप्शन फोर इज करेक्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व आपको क्या पूछ रहा है वाट मेक्स फॉर इट्स कूलिंग कन्वर्ट अगेंस्ट द हॉट uh, सीजन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा द क्लियर रील्स ट्वेल्व का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्लियर रील्स ऑप्शन नंबर फोर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टीन पे क्वेश्चन नंबर थर्टी क्या पूछ रहा है आपको क्वेश्चन नंबर थर्टी पूछ रहा है वाई वाज रोड साइड स्टैंड बिल्ड रोड साइड स्टैंड क्यों बनाया गया था तो याद रखिएगा रोड साइड स्टैंड इसलिए बनाया गया था सो दैट वहाँ पे जो पैसेंजर और जो भी आते जाते थे वहाँ पे वो रुके और वहाँ से जो भी सामान है वो वहाँ से खरीद सके ठीक है तो क्यों टू अर्न मनी क्योंकि सो दैट लोग पैसा कमा

व डिड एम हेम एल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज उसका फ्रेंच लैंग्वेज के लिए क्या ऊपर मतलब क्या ओपिनियन था तो वो बोलता था वो मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज है क्लियरेस्ट लैंग्वेज है और लॉजिकल लैंग्वेज है तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर ऑल ऑफ दिस इज करेक्ट ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन होता हैं क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन क्या बोल रहा है वेयर वाज साहेब एंड इस फैमिली कम फ्रॉम साहेब और उसका फैमिली कहाँ से आया था तो साहेब और फैमिली ढाका से आया था कहां से आया था ढाका बांग्लादेश से आया था तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन वन इज करेक्ट ठीक है नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर एटीन पे क्वेश्चन नंबर एटीन पूछ रहा है विच सिटी इज फेमस फॉर द ग्लास बैंगल्स कौन सा सिटी ग्लास एंगल्स के लिए फेमस है तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थ्री फिरोजाबाद ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर नाइनटीन क्वेश्चन नंबर नाइटीन क्या पूछ रहा है व्हाट डज मुकेश वांट टू बिकम मुकेश क्या बनाया जाता मुकेश जो होता है आपका मोटर मैकेनिक बना जाता है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी क्या पूछ रहा? रहा है आपको क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी पूछ रहा है अकॉर्डिंग टू ऑथर वाट वॉज द गार्बेज फॉर द चिल्ड्रेन चिल्ड्रेन के लिए गार्बेज क्या था ऑथर के अनुसार तो इसके इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर वंडर वंडर जो था वो चिल्ड्रेन के लिए गार्बेज के तरह ऑथर के लिए ठीक है अब अब दूसरा क्या है क्वेश्चन नंबर नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मेनी मेनीय ऑथर टॉट इन हाई स्कूल इन याकिमा में ऑथर ने कितना दिन पढ़ाया था ठीक है तो इ, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन टू ईयर्स ऑप्शन नंबर वन टू ईयर्स जो होगा आपका करेक्ट आंसर है ठीक है ना ऑप्शन नंबर वन टू ईयर्स नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू पे ट्वेंटी टू क्या पूछ रहा है इन पेडलर्स व्यू द वर्ल्ड

टू इज करेक्ट ऑप्शन टू थाउजेंड थ्री हंड्रेड वन ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नंबर आपको क्या पूछ रहा है विच गेम डिड द पेडलर एंड द ओल्ड मैन प्ले पेडलर और ओल्ड मैन कौन सा गेम प्ले कर रहे थे ठीक है ना पेडलर जो होता है पेडलर और ओल्ड मैन क्या खेल रहे थे कार्ड्स का गेम खेल रहे थे गेम ऑफ कार्ड्स ठीक है ना गेम ऑफ कार्ड्स जिसका नाम क्या था गेम ऑफ कार्ड्स को हम लोग बोलते थे उस मतलब कि आपका दिया गया है स्टोरी में मेोलिस इसको क्या बोलते हैं मेोलिस बोलते हैं मेोलिस ठीक है ना ऑप्शन ट्वेंटी फोर का ऑप्शन टू इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव द पैनकेक वॉज द ब्रांड नेम ऑफ पैनकेक किसका ब्रांड नेम था तो पैनकेक जो होता है इसका ऑप्शन नंबर टू सही होगा द मेकअप मेटेरियल पैनकेक किसका ब्रांड नेम है पैनकेक जो होता है मेकअ मेटेरियल ब्रांड नेम है नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन ट्वेंटी सिक्स क्वेश्चन नंबर क्या हो रहा है हु ज हुज रिटेन द नोबेल द नेम ऑफ द रूस नेम ऑफ द रूस किसने लिखा था नेम ऑफ द रूस जो है आपका अम्बोटो एक ने लिखा था कौन अम्बोटो ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन थ्री इज करेक्ट ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन अब पूछ रहा है विच गेम आर सोफी एंड हर फैन फैमिली फैंस ऑफ सोफी और उसकी फैमिली किस गेम की फैन थे ठीक है तो इसका करेक्ट ट्वेंटी सेवन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फोर फुटबॉल वो लोग फुटबॉल के फैंस थे ठीक है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट अब क्या पूछ रहा है च कंट्री डि डैनी प्ले फॉर डैनी किस कंट्री के लिए प्ले करता था खेलता था ठीक है तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आयरलैंड ठीक है तो ऑप्शन फोर इज करेक्ट आयरलैंड इज करेट आंसर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी ट्वेंटी पूछ रहा है हु इज द टाइगर किंग टाइगर किंग कौन था तो टाइगर किंग जो था किसको हम लोग टाइगर किंग बोल रहे थे तो टाइगर किंग जो प्रतिबंध प्रतिबंधपुरम जो हो के महाराज जो थे उसी को हम लोग बोल रहे थे टाइगर किंग महाराज ऑफ प्रतिबंधपुरम ऑप्शन तो ए ऑप्शन करेक्ट ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर में जन्म लिए थे इन द आवर ऑफ बुल इन द आवर ऑफ बुल के आवर में जन्म लिए तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन वन इज करेक्ट इन द आवर ऑफ बुल नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर थर्टी नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा हैड सेंट द फर्स्ट डे कवर को किसने फर्स्ट डे कवर सेंड किया था चार्ली को ठीक है तो ये फर्स्ट डे कवर जो होता है उसके फ्रेंड सैम ने सेंड किया था कौन सैम ने सेंड किया था तो थर्टी का ऑप्शन फोर इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है हु सैम इन द थर्ड थर्ड लेवल लेवल जो स्टोरी है उसमें सैम कौन था तो सैम जो था वो चार्ली का चार्ली का फ्रेंड और साइकेट्री था ठीक है तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन टू थर्टी टू का टू इज द करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा थर्टी थ्री थर्टी थ्री आपको क्या पूछ रहा है हाउ मेनी टाइम जोन डिड दीसा

डॉक्टर से डॉक्टर कौन था जापानीज डॉक्टर था कौन था जापानीज डॉक्टर ठीक है जापानीज डॉक्टर तो करेक्ट ऑप्शन तो हो जाएगा ऑप्शन ए थर्टी फाइव का वन क्वेश्चन नंबर मतलब आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वो ऑप्शन वन तो नेक्स्ट है थर्टी सिक्स क्वेश्चन नंबर थर्टी से क्या पूछ रहा है टू होम डिड रॉजर संक डो गो विथ हिस प्रॉब्लम रॉजर संक अपना प्रॉब्लम को लेके कहाँ जाता था किसके पास जाता था तो रॉजर संक जो था आउल के पास जाता था किसके पास आउल के पास जाता था करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन वाइस ओल्ड आउल नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन क्या बोल रहा है वेयर डिड रॉजर संक फाइंड थ्री रेस्ट पेनी उसके बाद जो तीन पेनी कम पड़ गया था वो उसको कहाँ से मिला था तीन पेनी जो होता है उसको मैजिक वेल से मिला था कहाँ से मिला था मैजिक वेल से ठीक है मैजिक वेल से मिला था तो मैजिक वेल करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर फोर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछता है क्वेश्चन नंबर थर्टी एट थर्टी एट क्या पूछ रहा है हाउ ओल्ड इज डेरी डेरी कितना साल का था तो डेरी जो था आपका फोर्टीन ईयर्स का था कितना साल का था फोर्टीन ईयर्स का था ठीक है अब तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे थर्टी नाइन वाट डिड मिस्टर लैम्ब मेक एप्पल्स एप्पल्स का मिस्टर लैम्ब क्या बनाते थे तो एप्पल्स का मिस्टर लैम्ब जो होता है जेलीज बनाते थे क्या बनाते थे जेलीज बनाते थे अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछ रहा है हु वॉज अनन अनन कौन था तो अनन इसी के साथ क्वेश्चन नंबर फोर्टी के साथ आपका ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट होता है तो इसके बाद हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे थे ठीक है तो सबसे पहले आपको क्या बोल रहा है क्वेश्चन ये आपका सेक्शन ए में क्या दिया हुआ है यहाँ पे आपका पैसेज दिया हुआ है ठीक है और पैसेज में आपका कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है पांच क्वेश्चन आपको आंसर करना है तो इस क्वेश्चन को तो आप पैसेज पढ़ के आप आंसर लिख सकते हैं तो और ये सिंपली आंसर लिख सकते हैं आप तो इसमें इसको हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं इसको हम स्किप कर रहे हैं ठीक है दूसरा भी दूसरा भी पैसेज है इसमें आपको नोट और समरी लिखना है क्या लिखना है आपको एक नोट लिखना है और एक समरी लिखना है नीचे क्वेश्चन है ठीक है आप देख सकते हैं जैसे कि यहां पे आपको क्या लिखना है एक नोट लिखना है और एक समरी लिखना है तो ये भी आप अपने लिख सकते हैं तो डिफरेंट स्टूडेंट्स का आंसर डिफरेंट होगा इसलिए हम नहीं लिख रहे हैं इसको क्योंकि हर स्टूडेंट का आंसर डिफरेंट होता है इसमें ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं ये क्या है आपका क्वेश्चन नंबर टेन आपको क्या पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर टेन आपका एक नोटिस पूछ रहा है तो ये भी आप तो आपका फॉर्मेट सबका सेम होता है तो ये सेक्शन बी भी हम स्किप कर रहे हैं आपका यहाँ पे दो क्वेश्चन है नोटिस का है एक क्वेश्चन क्या है आपका यहाँ पे रिपोर्ट है और नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्या है आपका एक लेटर टू एडिटर वाला है और फिर आपका आर्टिकल ये ये सब आंसर हम इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि आप लोग एग्जाम में अलग अलग आंसर लिखे होंगे ठीक है तो अभी आपको चिंता करने का नहीं सबका आंसर सही होता है लगभग वो नंबर मिल जाता है आप लोग तो फॉर्मेट पढ़े ही होंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है हाँ चलिए सेक्शन सी का ये जो लिटरेचर से आपका क्वेश्चन आया है ये हम बता देते हैं कैसे आंसर मतलब ये बता देते हैं तो इसमें भी आपका आंसर अलग हो सकता है लेकिन हम बता दे रहे इसमें आंसर आपका क्या लिखना था आपको ठीक है तो सबसे तो क्वेश्चन नंबर फोर्टीन पूछ रहा है व्हाट वाज फ्रांच एक्सपेक्ट फ्रांच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर विथ फॉर स्कूल दैट डे तो फ्रांस क्या चीज के लिए प्रिपरेशन करना था फ्रांस को तो इसका आंसर सिंपल है उस फ्रांस को पार्टिसिपल के ऊपर जो लेक्चर था उस पर वो जो एम हेम एल थे ना एम एम एल जो उसके टीचर थे वो कुछ दिन क्वेश्चन पूछने वाले थे तो पार्टिसिपल का तैयारी कर रहा था किसको फ्रांस को तो ये आंसर हो जाएगा सिंपल आपका ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर पूछ रहा है वाट वॉज ऑन सेल ऑन रोड साइड स्टैंड रोड साइड स्टैंड पे क्या सेल पे था तो इसको आपको मतलब कि तीन नंबर का दिया हुआ ना तो आपको थोड़ा सा ये मतलब कि बड़ा करके लिखना होता है हम के बता दे रहे आंसर कैसा होगा तो दूसरा की रोड साइड स्टैंड में क्या क्या बिक रहा था तो रोड साइड स्टैंड में आपका बेरीज़ 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 बिक 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 रहा 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 था रहा था रहा था 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 क्या ठीक ठीक है दूसरा का गोल्डन गोल्डन राजकुमार शुक्ला कौन थे? तो थे कौन थे पुअर शेयर कॉपर थे या क्रॉपर शेयर क्रॉपर थे ठीक है ना क्रॉपर शेयर क्रॉपर नहीं क्रॉपर थे ठीक है नेक्स्ट आपका क्या है ये शेयर कॉपर क्रॉपर भी बोल सकते हैं या आप इसको फार्मर भी बोल सकते हैं क्या बोल सकते हैं फार्मर भी बोल सकते हैं ठीक है जो गांधी जी को कन्विंस किए थे गांधी जी को क्या किए थे कन्विंस किए थे कहाँ पे चंपारण आने के लिए गांधी जी को कन्विंस किए थे कि वो चंपारण आए और देखें कि कैसे फार्मर सफर कर रहे हैं वहाँ पे मतलब फार्मर कैसे परेशान है और फिर दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या पूछ रहा है वाई ही इज ही डिस्क्राइब्ड एज बींग रिजोल्यूट वो रिजोल्यूट उनको क्यों डिस्क्राइब किया गया था तो इसका सिंपल आंसर क्यों है कि देखिए उन जब वो राजकुमार शुक्ला गांधी जी से मिलने गए थे तब उन्हें बताया गया था कि गांधी जी जो है वो फ्री नहीं है गांधी जी जो है वो फ्री नहीं है उनका शेड्यूल पूरा उनको अलग अलग जगह कंट्री में घूमना है मतलब कि वो जो जो भी प्रैक्टिस सत्याग्रह आंदोलन कर रहे हैं वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री में उनको जाना है ठीक है फिर भी ये जो होता है आपका जो है राजकुमार शुक्ला जो है वो वापस नहीं गए वो गांधी जी को फॉलो किए गांधी जी जहाँ जहाँ जाते थे वहाँ वहाँ गांधी जी को वो फॉलो किए जब तब तक फॉलो किए जब तक गांधी जी ने उन्हें बोला नहीं कि तुम हमको कैलकटा आके मिलना कलकत्ता में आके मिलना वहां से हम चंपारण चलेंगे तब तक तो इसीलिए उनको कहा गया था ठीक ठीक है है कि अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन हैं नंबर नंबर पे 17 देते, 17 क्या पूछ रहा आपको तो हु रहते थे बिग हाउस बिग हाउस विथ लवली एन अनॉर्मस गार्डन एंड एनॉर्मस गार्डन ठीक है अनॉर्मस गार्डन अब दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ये वाई डज ही हैव टीन लेग उनका जो लेग था वो टीन का क्यों था तो इसका एक बॉम्ब ड्यू टू बॉम्ब एक्सप्लोजन बॉम्ब एक बॉम्ब एक्सप्लोजन में उनका जो पैर था ना वो चला गया था इंजोर्ड हो गया था ही हैड बॉम्ब एक्सप्लोजन में ही हैड लॉस्ट हीज लेग वो अपना पैर खोग दिए थे लॉस्ट इज लेग तो उसको क्या था एंड सो दैट इट इज रिप्लेस्ड बाय उसको जो था ना उसका रिप्लेस कर दिया था गया था किस से टीन लेग से टीन लेग से इसी की वजह से उनका टीन लेग था नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्वेश्चन नंबर एटीन हाउ मच मनी डिड क्रॉफ्टर हैज़ इन इज पाउच तो क्रॉफ्टर के पाउच में कितना था थर्टी क्रोनोर था कितना था थर्टी क्रोनोर था। थर्टी क्रोनर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपको यहाँ पे वही नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ डिड ही हाउ डिड ही अर्न दैट वो कैसे यह पैसा कमाना था सिंपल तो? है बाय सेलिंग हिज मिल्क नहीं द बाई सेलिंग काउज मिल्क क्या बोल रहे हैं अभी बाय सेलिंग ही द काउ मिल्क काउ मिल्क ठीक है तो इसी के साथ ये आपका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन कंप्लीट होता है ठीक है Uh, तो अभी भी आपको इस क्वेश्चन से कोई डाउट हो तो आप कमेंट में हमको पूछ सकते हैं टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो हैव अ नाइस डे